हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स मैं विमल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रो प्रोसेसर का टू मार्क्स का इंपॉर्टेंट वीडियो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं माइक्रो प्रोसेसर टारगेट करने वाला हूँ या सिलेबस को जिसको टारगेट करने वाला हूँ वो सिलेबस हमारा जो सी एस ईयर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट पढ़ते हैं जिसका कोड है के सी उसका जो सिलेबस है उसको मैं टारगेट करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर टू मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर जो टू मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्रोसेसर स्टूडेंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ से बहुत सारे टू मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर एट जीरो एट फाइव माइको प्रोसेसर का आर्किटेक्चर यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इसके बाद हम उसका पिन पिंडाइग्राम स्टडी करते हैं देन उसके बाद एट जीरो एट सिक्स स्टडी करते हैं उसका पिन पिंडाइग्राम देन लास्ट की जो यूनिट है उसमें काफ़ी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं हमारी जिनसे हम इंटरफेसिंग कराते हैं जैसे डीएमए कंट्रोलर हो गया पीपीआई हो गया तो इस तरह के वहाँ से जिनके उनके सबके आर्किटेक्चर्स हैं तो आर्किटेक्चर्स में जितने ब्लॉक्स हैं उन सबके टू मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर जो लेके आया हूँ लगभग ट्वेंटी के अप्रोक्स यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरी पाँचवें यूनिट के तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे ठीक है स्टूडेंट तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं आज जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो है टू मार्क्स का अब मैं यहाँ पर टू मार्क्स को टारगेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे छूटेंगे कि आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है तो वो हो सकता है कि जो सेवन मार्क्स वाले हैं जब हम डिस्कस करें तो उसमें हमारे वो कवर हो जाए ठीक है यहाँ पर जो टारगेटेट यानी कि मेरा जो फोकस रहने वाला है वो टू मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करूँगा ठीक है तो चलिए मैं सबसे पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता आया हुआ है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो मैंने क्या लिखा है यूनिट वन एंड टू आपका अगर सिलेबस आपने देखा है तो जो यूनिट फर्स्ट है और यूनिट सेकेंड है वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम है उसमें बस कुछ चीज़ों का फर्क है बाकी जो दोनों यूनिट है बिल्कुल सेम है उसमें एट माइक्रो प्रोसेसर ही हमने डिटेल में पढ़ना होता है ठीक है स्टूडेंट्स uh, मैंने जो माइक्रोप्रोसेसर पढ़ाया पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है पूरा और मुश्किल से 15 15 मिनट्स की वीडियो है 15 टू 20 मिनट्स की एक वीडियो है और इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 30 वीडियो के अप्रोक्सीमेट है उसकी प्ले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक वहीं पर मिल जाएगा प्ले का पूरी उस प्ले को ओपन करेंगे वहाँ से एक बार सारी की सारी वीडियो जो है वो थर्टी थर्टी मैक्सिमम थर्टी मिनट नहीं ट्वेंटी मिनट्स की हैं मैक्सिमम उनको एक बार देख लें थर्टी वीडियोज़ हैं मैक्सिमम ठीक है तो उनको एक बार जल्दी से देख लेंगे जरूर तब उसके बाद ये टू मार्क्स सेवन मार्क्स का अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ठीक है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वट डू यू मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर तो माइक्रो प्रोसेसर से आप क्या समझते हैं तो पहला ही क्वेश्चन ये बन जाता है एग्जाम में और आया हुआ भी क्वेश्चन है क्योंकि सीएस में जो पेपर आता है जो सी के स्टूडेंट्स है उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा सा इजी आता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें माइक्रो कंट्रोलर भी है लेकिन सी में केवल माइक्रो प्रोसेसर है एट जीरो एट फाइव एंड एट जीरो एट सिक्स तो सी का पेपर जो है ना एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा ईजी आता है तो हमारा एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या माइक्रो प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह देते हैं यानी कि जो वैसे बोलते क्या है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो सी होता है ठीक है ना जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारा जो सी है उसको ही हम एक तरह से क्या कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर ही बोल सकते हैं प्रोसेसर भी बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर होता है वो सी के अंदर होता है और सी का मेन पार्ट ही हमारा प्रोसेसर होता है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं सी भी कहीं कहीं पर आप सुनोगे कि सी पी तो जहाँ पर सी की बात हो रही है इस सब्जेक्ट के अंदर वहाँ पर समझ लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है क्लियर तो इसको हम क्या कहते हैं ए माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों है ब्रेन क्योंकि जैसे हमारे ब्रेन में सारी कैलकुलेशन हमारे ब्रेन में होती हैं हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटी करती है यानी कि हमें आगे चलना है पीछे चलना है मूव करना है ठीक है और अगर मैं कहूँ कि हमें भूख भी लग रही है या इस तरह से कुछ भी हमारा जो भी हमारी बॉडी मूव कर रही है जो भी कर रही है जितने भी वर्क कर रही है वो सारे किसकी वजह से कंट्रोल हो रहे हैं ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं ठीक है ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेसर से कंट्रोल होता है ठीक है तो इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पर बोल देते हैं वी कैन ऑल्सो कॉल इट सिंपली अ प्रोसेसर और सी पी यू यानी कि हम क्या सी पी यू या प्रोसेसर भी हम इसको सिंपली बोल देते हैं फर्दर मोर अ माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोसेसर दैट इज माउंटेड ऑन अ सिंगल आई सी यानी कि ये एक आई सी पर माउंटेड होता है जैसे एट जीरो एट फाइव क्या होती है एक आई सी होती है एट जीरो एट से क्या होता है एक आई सी होती है फोर्टी पिन की आई सी मिलती है मार्केट में ठीक है तो सिंगल आईसी यानी कि जो हमारी सिंगल आईसी है उस पर क्या होता है माउंटेड यानी कि फैब्रिकेटेड रहता है जो भी हमारा प्रोसेसर होता है ठीक है आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है इट मींस दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ द प्रोसेसर आर इंक्लूड इन अ सिंगल चिप ऑन अ सिंगल चिप यानी कि जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे सिंगल चिप पर ही होते हैं तो ये एक छोटा सा बेसिक सा डायग्राम है टू मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो बस इतने से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है दो तीन लाइनें लिखेंगे देन उसके बाद ये बेसिक सा डायग्राम बना देंगे इसमें होता है क्या इनपुट डिवाइसेस होती है हमारी इनपुट डिवाइसेस में क्या हो जाता है हमारा की हो जाता है माउस हो जाता है देन उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर या सी भी हम इसको बोल सकते हैं इसमें क्या क्या होता है ए एल यू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट्स होती हैं और रजिस्टर एरे होते हैं ठीक है ना रजिस्टर्स जो हम पढ़ते हैं एट जीरो एट फाइव एंड एट जीरो एट सिक्स में ठीक है और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो गया हमारा प्रिंटर वगैरह जो भी हैं ठीक है और उसके बाद मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट में क्या है जो भी हम मेमोरी स्टोरेज करने के लिए डेटा को हम यूज़ करते हैं मेमोरी वही मेमोरी यूनिट के अंदर आ जाती है ठीक है तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल कूल cool होके एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके सुनना है आपको समझ में यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको यहीं का यहीं समझा दूंगा टू मार्क्स वाले बस ध्यान से वीडियो को सुनना है लास्ट तक और माइक्रो प्रोसेसर की बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए माइक्रोप्रोसेसर में ठीक है बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है सी में तो बहुत सिंपल सा आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है एग्जाम में फिर से पूछ लिया जाए ठीक है ये भी पहले भी पूछा जाए यहाँ पर जो टू मार्क्स के क्वेश्चन है ना मोस्टली पूछे जा चुके हैं कुछ ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है नहीं पूछे गए अभी तक लेकिन आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के भी हैं ठीक है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर तो ये टू मार्क्स में भी पूछ सकता है हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे दो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है टू मार्क्स में अगर पूछता है तो एक टेबल बना के इस फॉर्म में अगर आ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे टू मार्क्स आपको मिल जाएंगे लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है ठीक है ना लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आपसे पूछ रहा है तो कुछ ईयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना देन जो भी मतलब कुछ नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना प्रोसेसर के कुछ उनमें से ईयर सेलेक्ट कर लेना वही टू मार्क्स में लिख लेना टेबल के फॉर्म में लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है ना तो उनको पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसमें वही चीज़ें बतानी है मेनली ये तीन चीज़ें सब में बतानी है ट्रांसटर्स कितने यूज़ कर रहे हैं उसमें क्लॉक स्पीड क्या है उसकी और डेटा बर्थ क्या है उसकी ठीक है जैसे मैं ये बात करूँ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं एट जीरो एट फाइव से पहले एट जीरो एट जीरो है लेकिन हम चाहें तो स्टार्ट यहाँ से एट जीरो एट फाइव से स्टार्ट कर सकते हैं नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में ये इन्वेंट हुआ था यानी कि डिज़ाइन किया गया था फ़र्स्ट टाइम और इसमें कितने 6500 थाउजेंड ट्रांसटर्स इसमें यूज़ हुए थे और इसकी स्पीड जो है वो 5 मेगा हर्ट्स तक की इसकी स्पीड है और ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है आपको पता है ये 8085 जो है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है ठीक है देन इसके बाद 8086 जीरो को लेंगे क्योंकि ये दोनों तो हमारे सिलेबस में है तो 8086 जीरो में यानी कि जस्ट टू ईयर बाद ही हमारा ये आ चुका था इसमें कितने थे 29,000 नाइन थाउजेंड ट्रांसटर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं इसमें और इसकी स्पीड जो है ये भी 5 मेगाहर्ट्ज़ है फाइव टू एट मेगाट्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं एट मेगाट्स भी है ठीक है और ये कितने बिट का होता है सिक्सटीन बिट का होता है माइक्रो प्रोसेसर तो जब आपको इनको थ्योरी में लिखना है तो क्या लिखेंगे हमारा जो ईयर वाइज लिखेंगे कि पहले ईयर में मतलब नाइनटीन में हमारा ये प्रोसेसर जो है ये इन्वेंट हुआ था यहाँ पर और इसमें इतने ट्रांसटर्स यूज़ किए गए थे इतनी इसकी स्पीड थी और इसकी इतना साइज था ठीक है तो थ्योरी के फॉर्म में लिख देंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ठीक है ठीके? देन उसके बाद जो है आप ये वाला 8088 स्किप कर सकते हैं देन एट जीरो थ्री एट सिक्स एंड फोर ये तीनों एक साथ याद हो जाएंगे ईयर की बात करूँ तो 1982, 1985 और 1989 ठीक है उसके बाद इनमें जो ये ट्रांसटर्स की संख्या है जो भी नंबर है इनको याद कर लेंगे आप अच्छे से इनकी स्पीड जो है वो सिक्स मेगा हर्ट सिक्सटीन मेगा हर्ट्स और ट्वेंटी फाइव मेगा हर्ट्स ठीक है और कितने बिट का है तो ये जो हमारा एट ज़ीरो टू एट सिक्स है ये भी हमारा सिक्सटीन बिट ही है ठीक है बाकी दोनों जो है थर्टी टू बिट्स है ठीक है इसके बाद फिर ये भी जरूर याद कर लेंगे कौन कौन से सी यहाँ तक ये ये वाले जो फोर हैं ये वाले पेंटियम वन भी लिख सकते हैं इसको पेंटियम लिख सकते हैं पेंटियम सेकंड पेंटियम थर्ड एंड पेंटियम फोर ठीक है नाइन्टीन नाइन्टी थ्री और टू ठीक इसमें ट्रांसटर्स के नंबर्स काउंट कर लेंगे मतलब याद कर लेंगे लर्न लें कर लेंगे सिक्सटी मेगा इसकी स्पीड है टू टू हंड्रेड थर्टी थ्री मेगा हर्स और फोर फिफ्टी मेघाज इसकी स्पीड है और कितने बिट्स का है ये जो हमारा पेंटियम वन है ये थर्टी और सिक्सटी दोनों साइज़ में मिलता है ठीक है और जो हमारा पेंटियम सेकंड था ये सिक्सटी और ये भी 64 फोर यार यानी कि ये सारे बाकी जो पेंटियम हमारे 64 फोर बिट्स के हैं और बल्कि इवन जो यहाँ पर अब तक इसमें मैं, मैंने टेबल में दिखा रखे हैं वो सारे ही 64 फोर बिट हैं आपको जो दिखाने हैं ना बस ये पेंटियम फोर के बाद आप इंटेल कोर और पेंटियम ड्ल कोर ये दो और दिखा दीजिएगा बस यहाँ पर तो कितने होगा यहाँ पर? पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये इलेवन अगर टेबल में बना देते हैं आप तो आपको टू मार्क्स तो फुल मिल नहीं है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो इलेवन को जब लिखेंगे ना तो अच्छा खासा फुल आपका क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा ठीक है सेवन मार्क सेवन या सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी टेन मार्क्स अगर आता है तो आपका ठीक है क्लियर नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो राइट द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिंपल सा क्वेश्चन है माइक्रोपोसेसर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर आप सही से थोड़ा सा भी पढ़ के गए हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आप अपने कॉमन सेंस से ही कर लोगे ठीक है क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट यूज़ ही करते हैं और जो सी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो यूज़ करना ही होता है ठीक है तो आप सब यूज़ कर ही चुके हैं तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही हैं अब एप्लीकेशन माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे कैलकुलेटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है अकाउंटिंग सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है गेम्स मशीन्स जो है हमारी उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स में यूज़ होता है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में यूज़ होता है इवन अब तो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होने लग गया है ठीक है डेटा एक्विजीजन सिस्टम में होता है मल्टी यूज़र मल्टी फंक्शन एन्वायरमेंट्स में होता है और मिलिट्री एप्लीकेशन में भी बहुत जगह पर यूज़ होता है मोबाइल्स में हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है ठीक है अब तो एडवांस में मतलब माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह यूज़ होने लग गया गेमिंग वाले में भी बहुत ज़्यादा ठीक है रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है ठीक है वाट आर द फीचर्स ऑफ 8085 जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर ऐसे ही हमारी एट जीरो एट सिक्स की फीचर्स भी पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा सारे क्वेश्चन में लेके नहीं आया लेकिन जिनको मैं बोलूंगा ना उनको ध्यान से नोट कर लेंगे आप उनको एक बार देख जरूर लेंगे जैसे यहाँ पर गया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 8085 तो हमारी 8086 की भी फीचर्स पूछी जा सकती हैं ठीक है ठीके? शायद मैंने वो तो क्वेश्चन लिया हुआ है अब 8 बिट डेटा बस होती है ठीक है 8 बिट होती है पहली बात तो यही है कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है दूसरा इसमें डेटा बस जो होती है एट बिट होती है एड्रेस बस जो है वो सिक्सटीन बिट होती है ये तो हमें पता ही है ठीक है क्लियर और इसमें जो है सिक्सटीन बिट का प्रोग्राम काउंटर भी होता है और एक सिक्सटीन बिट का स्टैक पॉइंटर भी होता है हमारा ठीक है एट बिट के हमारे इसमें सिक्स रजिस्टर्स होते हैं जो हमारे पेयर्स में हम यूज़ कर सकते हैं बी सी डी और एच एल ठीक है एक तो बी सी डी और एक एच एल और एक एक और होता है सेवन टाइप का जिसको हम बोलते हैं ए या जिसको हम बहुत सी जगह पर माइक्रक्यूमलेटर uh, यूज़ कर लेते हैं एक्यूमलेटर को ही हम क्या बोलते हैं रजिस्टर ए बोलते हैं इसे को पावर सप्लाई कितनी रिक्वायर्ड होती है प्लस फाइव वोल्ट होती है ऑपरेटिंग स्पीड जो है थ्री पॉइंट टू मेगा हर्ट्स सिंगल फेस क्लॉक यानी कि यहाँ से लेके फाइव मेगा हर्ट्स तक हम यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है क्लियर ये इसकी मिनिमम स्पीड यहाँ पर मेंशन की हुई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रजिस्टर्स इन माइक्रो प्रोसेसर सा क्वेश्चन है ये भी पता होगा अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा बहुत भी क्लास में पढ़ा है तो रजिस्टर्स के बारे में आपको ज़रूर पता होगा ये रजिस्टर्स मैंने बता ही दिए हैं यहाँ पर अब देखो इसमें क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है अब आप एग्जाम में कन्फ्यूज़ किस तरह से होंगे मैं बताता हूँ उसने दे दिया रजिस्टर्स इन माइक्रो प्रोसेसर पूछ ना तो इसने बताया एट जीरो एट फाइव की बात चली है, ना ही इसने बताया एट जीरो एट सिक्स की बात चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है अगर आपने पेपर देखा होगा तो मैं बताता हूँ आपको आर्किटेक्चर पूछ लिया उसने ठीक है और उसके ब्लॉक्स का फंक्शंस पूछ लिए हैं अब उसने ये तो बताया नहीं उसमें एट जीरो एट फाइव है या एट जीरो एट सिक्स है ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि आर्किटेक्चर ड्रॉ करना है माइक्रो प्रोसेसर का और उसके जो ब्लॉक्स हैं उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है ठीक है लेकिन उसने उसमें यह मेंशन नहीं किया कि उसको 8085 को करना है मैं आर्किटेक्चर ड्रॉ या एक्सप्लेन या 8086 को तो अगर उसने सिंपल माइक्रो प्रोसेसर लिखा है तो आपको 8085 कंसीडर करके उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को एट ज़ीरोट माइक्रो प्रोसेसर अगर उसने बोला होता कि बस इंटरफेस यूनिट बी या एग्जीक्यूशन यूनिट की अगर वो बात कर रहा है देन इसका मतलब तो हम समझ जाएंगे कि वो 8086 की बात कर रहे हैं उसने ये कहा कि ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ एट जीरो मतलब माइक्रोप्रोसेसर ऑफ ए माइक्रो माइक्रोप्रोसेसर एंड एक्सप्लेन बी आई यू एंड ई यू यानी कि बस इंटरफेस यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि उसने एट जीरो एट सिक्स की बात करी लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ मैंशन नहीं किया उसने इस तरह से क्वेश्चन दिया कि हमारा जो आर्किटेक्चर है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा और मतलब ड्रॉ कीजिएगा और उसके जो फंक्शन ब्लॉक्स हैं उनके फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको सीधा सीधा एट जीरो एट वहां पर ड्रॉ करना है ठीक है ना अब जैसे ये वाला ही क्वेश्चन है इसने कहा रजिस्टर्स के बारे में बताना है डिस्कस करना है माइक्रो प्रोसेसर के तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे हम रजिस्टर्स के बारे में डिफाइन तो कर देंगे रजिस्टर जो एकदम मैं अगर बात बोलूँ तो फास्टेस्ट मेमोरी जानी जाती है ठीक है और यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं डेटा को टेम्प्रेरी बेसिस पर हम स्टोर कराने के लिए इनको यूज़ करते हैं और जैसे अगर मैं बात करूं 8085 की तो हमने बताया सेवन टाइप के वहाँ पर रजिस्टर्स हम मेनली यूज़ करते हैं एक तो एक्मलेटर हो जाता है रजिस्टर है बाकी सिक्स हम पेयर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और सिंगल भी यूज कर सकते हैं बी सी डी और एच एल ठीक है ऐसी हमारे क्या है हम उसमें जो हमारे एट जीरो एट सिक्स है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स पेयर्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ठीक है सेगमेंटेशन वहाँ पर होते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स वहाँ पर होते हैं तो अब इसमें कौन सा लिखना है तो हमें ध्यान रखना है कि 8085 ही कंसीडर करके चलना है हमें बस यहाँ पर अगर नहीं दिया हुआ है इसमें तो क्या ए प्रोसेसर रजिस्टर इज वन ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस यानी कि डेटा को होल्ड करता है वो प्लेस है हमारा दैट आर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर और ये कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है ठीक है ना क्लियर यानी कि प्रोसेसर में ही होते हैं रजिस्टर्स ऐसा नहीं कि अलग से रजिस्टर जो है मेमोरी की फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं जैसे रैम या जो भी यूज़ करते हैं हम रोम वगैरह पेन ड्राइव जैसे हमने यूज़ कर ली सी डी ड्राइव हमने यूज़ कर ली ठीक है लेकिन रजिस्टर जो है वो प्रोसेसर में ही हम यूज़ करते हैं और फ़ास्टेस्ट मेमोरी की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है क्लियर तो बस यहाँ पढ़ लीजिएगा बाकी ये पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी आपको पता ही है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगा दो चीज़ के मतलब दो चीज़ें आपको मिलेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा दूसरा माइक्रो प्रोसेसर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा उसमें मैंने बताई दिया है मिनिमम मैक्सिमम थर्टी वीडियोस के आसपास है और मैक्सिमम ट्वेंटी मिनट्स की एक वीडियो है तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं छोटी छोटी हैं तो वो एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है नाइनटीन को आपका एग्जाम है अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है ठीक है वॉट डू यू डू यू अंडरस्टैंड बाय द वायटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरप्ट क्या होता है देखो यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिए मैंने इसीलिए लिखे हैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से मुझे लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यूनिट चले फर्स्ट एंड सेकंड अभी ठीक है यानी कि जीरो चला और एट जीरो मैंने क्वेश्चन लिखा है तो अगर एग्जाम में क्या आता है कि उसने केवल इंटफ्ट पूछ लिए माइक्रोप्रोसेसर मतलब डिफाइन करा लिए तो अगर हमें इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना है तो हम 8085 को मानते हुए चलेंगे ठीक है उसमें कितने हमारे जो फाइव टाइप के हार्डवेयर इंट्स होते हैं तो हो सकता है कि अगर आपके पास टाइम है तो उनके पाँचों के आप नेम भी लिख सकते हो ट्रैप वगैरह जो भी आर एस टी और फाइव जो भी है ना इस तरह से सारे आर वाले भी और आई भी और कौन सा आई एन टी आर भी और ट्रैप भी ठीक है तो पांचों हार्डवेयर लिख सकते हैं यहाँ पर लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा मैंने सिंपल इंट्रप्ट के बारे में आपको बताया इंटरप्ट एक्चुअल में होता क्या है इंटरप्ट का आप नेम से मीनिंग समझ जाएंगे कि इंटरप्ट होता क्या है इंटरप्ट मतलब एक तरह से कोई रुकावट पैदा करना किसी प्रोग्राम में कोई मतलब उसको रोकना किसी तरह से इंटरप्ट वहाँ पर क्रिएट करना डिस्टर्ब एक तरह से करना ठीक है तो वही इंटरप्ट जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ अचानक से लाइट यहाँ से चली जाए ठीक है और ये बंद हो जाए तो वो क्या हो जाएगा एक वीडियो में इंटरप्ट क्रिएट हो जाएगा ठीक है क्लियर जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल में क्या है आप कोई वीडियो देख रहे हैं वीडियो देखने के बाद क्या हुआ कि कोई मैसेज अगर आता है आपके पास तो वो क्या करता है इंटरप्ट क्रिएट करता है इंटरप्ट आता है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप उस मैसेज यानी कि जो इंटरप्ट आया उसको देखेंगे या पहले अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे ठीक है तो वही माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर करता है तो इंटरप्ट क्या है इंटरप्ट इज द मैथड ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्प्रेरी हॉल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अलाउ पेरीफेल डिवाइस टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर यानी कि टेम्प्रेरी हॉल्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है यानी कि एक तरह से हम क्या करेंगे इंटरप्ट क्रिएट करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर को रोकेंगे वो अगर रुकता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है देन जो पेरीफेल डिवाइस है पेरीफेरल डिवाइसेज एक्चुअल में क्या है जो एक्सटर्नल डिवाइस हम यूज़ करते हैं ठीक है ना वही हमारी चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट हो वो हमारी पैरीफेल डिवाइसेज़ यहाँ पर कहलाती हैं ठीक है क्लियर द माइक्रो प्रोसेसर रेस्पॉन्ड टू दैट इंटरप्ट विद एन आई एस आर आई एस आर क्या होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन इस मतलब आई एस आर जो मतलब रेस्पॉन्ड करता है हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है तो उसको हम क्या बोलते हैं आई बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन यहाँ पर बोला जाता है ठीक है क्लियर नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की नेक्स्ट की अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट यू मीन बाई एल अब हमारी जो यहाँ पर मैंने बताया है हमारी एट बिट जो माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव उसमें एट बिट तो हमारी क्या होती हैं डेटा बसेस होती हैं और जो सिक्सटीन बस सिक्सटीन बिट्स होती हैं वो क्या होती हैं हमारी एड्रेस बसेस होती हैं तो अब वो जो 16 बिट एड्रेस बस है उसकी जो लोअर ऑर्डर की एड्रेस बस हैं वो हमारी डेटा बस की तरह यूज़ होती है जो हायर ऑर्डर है वो हमारी केवल एड्रेस बस के लिए यूज़ होती है तो लेकिन जो लोअर बस हैं लोअर ऑर्डर की जो एड्रेस बसेस हैं वो एड्रेस बस एंड डेटा बस दोनों की तरह यूज़ होती हैं तो अब वो एड्रेस बस की तरह यूज़ होनी है या डेटा बस की तरह यूज़ होनी है वो किस पर डिपेंड करता है ए पर ए क्या है एड्रेस लेच इनेबल अगर ये इनेबल होगा देन इसका मतलब वो जो बिट्स हैं वो वाली जो बिट्स हैं हमारी वो एड्रेस बस की तरह यूज़ होंगी लेकिन जब ये डिसेबल होगा देन वो हम डेटा बस की तरह यूज करते हैं इट इज एन एड्रेस लेच इनेबल सिग्नल इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट ई स्टेट ऑफ अ मशीन साइकिल एंड इनेबल्स द लोअर एड बिट ऑफ द एड्रेस ठीक है जो लोअर एड बिट है उन्हें इनेबल करने के लिए यानी कि इफ इट्स वैल्यू इज वन अदरवाइज ये क्या है डेटा बस की तरह एक्टिवेट होंगी यानी कि अगर वन है तो वो एड्रेस बस की तरह अगर वन यानी कि जीरो है तो फिर वो किसकी तरह होंगी डेटा बस की तरह ठीक है नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे 8085 माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी एग्जीक्यूशन होनी है यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होनी है उसे कहाँ से डेटा लेके आना है कहाँ पर डेटा पहुँचाना है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगी वो सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं प्रोग्राम काउंटर से पता चलती हैं ठीक है सिक्सटीन बिट का रजिस्टर होता है दिस 16 बिट रजिस्टर डील विद सिक्वेंसिंग द एक्स एक्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि ये क्या करता है सिक्वेंस भी यानी कि जो एग्जीक्यूशन का सिक्वेंस है वो भी हमें प्रोवाइड कराता है द माइक्रो प्रोसेसर यूज दिस रजिस्टर टू सिक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उनके सिक्वेंस को यहाँ पर क्या करता है प्रोवाइड कराता है ठीक है द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट द मेमोरी एड्रेस मैंने बताया ना किस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से उस डेटा को लेके आना है ठीक है ना तो वो कैसे प्रोग्राम काउंटर से हमें पता चलता है या हमारे प्रोसेसर को पता चलता है ठीक है फ्रॉम विच द नेक्स्ट बाइट इज़ टू बी फैच यानी कि कहाँ से नेक्स्ट बाइट जो है वो फैच होनी है ठीक है यानी कि कौन सी क्लासरूम से बच्चे को लेके आना है ठीक है वही चीज़ है यहाँ पर ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्या है वॉट डू यू मीन बाई ए एल यू ए एल यू तो बेसिक पार्ट है कंप्यूटर से अगर सी एस हैं आप तो आपको बेसिकली पता ही होगा ए एल यू क्या होता है लॉजिकल यूनिट एक ऐसी यूनिट जहाँ पर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये ये यूनिट होती है जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होती हैं वही हमारे क्या कहलाता है ए एल यू कहला है और इसके अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्ूमेटर जहाँ पर वो हमारा रजिस्टर भी मैंने बताया ना एक रजिस्टर होता है तो वो कहाँ पर होता है ए एल यू के अंदर ही होता है ठीक है तो वहीं पर क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वहीं पर टेम्प्रेरी डेटा स्टोर भी होता है ठीक है तो क्या ए एल यू परफॉर्म न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ए एल यू परफॉर्म एंड लॉजिकल ऑपरेशन एडिशन लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल एग्जॉर मतलब लॉजिकल ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट वगैरह वगैरह जो भी हैं ये हमारे होते हैं ठीक है अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या एक्यूमेटर है यहाँ पर तो हो सकता है कि एक्मेटर पूछ ले तो एक्मेटर के बारे में मैंने आपको दिया है एड बिट रजिस्टर होता है इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ आर्थम लॉजिकल यूनिट यानी कि इसका एक पार्ट होता है ए का हमारा दिस रजिस्टर इज यूज टू स्टोर एट बिथ डेटा एट बिथ डेटा को स्टोर करने के लिए एंड परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ठीक है क्लियर और जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा एक्ूमेटर में ही हमारा क्या होता है स्टोर होता है तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ सीधा यूनिट थर्ड ठीक है तो यूनिट थर्ड में क्या आएगा हमारा एट जीरो एट सिक्स आएगा तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि फीचर्स क्या है दूसरा एट जीरो एट फाइव और एट जीरो एट सिक्स में डिफ्रेंस यहाँ पर बन जाता है ठीक है तो फीचर्स क्या है एट जीरो एट सिक्स की एट जीरो एट सिक्स के फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मतलब बहुत ज़्यादा हैं इससे एट जीरो एट फाइव की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन क्यू होता है इंस्ट्रक्शन क्यू कहाँ पर होता है अगर आपको ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर ध्यान है तो जो ऊपर बी आई यू होती है तो वहाँ पर एक क्यू बनी हुई होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं प्री फैज डेटा स्टोर करा लेते हैं यानी कि डेटा को पहले से ही करके स्टोर करा लेते हैं सिक्स बिट की होती है वो एट एट बिट के सिक्स होते हैं ठीक है सिक्स की क्यू होती है वो तो अब उसमें क्या है जो ई आई ई एग्जीक्यूशन यूनिट है ई यू तो जब उसको डेटा कोई फैच कराना होता है मतलब कोई डेटा एग्जीक्यूशन कराना होता है तो वो कहाँ से फैच करती है उस इंस्ट्रक्शन क्यू से डेटा को फैच करती रहती है ठीक है विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग सिक्स इंस्ट्रक्शंस ठीक है सिक्स इंस्ट्रक्शन बाइट और कितने कितने बिट बिट की होती है एट एट बिट यानी कि वन वन बाइट की ठीक है इट वॉज द फर्स्ट सिक्सटीन बिट प्रोसेसर ये पहला सिक्सटीन बिट प्रोसेसर था हैविंग सिक्सटीन बट एल यू सिक्सटीन बिट का एल यू होता है सिक्सटीन बिट के इसमें रजिस्टर्स होते हैं इंटरनल डेटा बस होती हैं 16 बिट एक्सटर्नल डेटा बासेस होती हैं ठीक है और इसकी वजह से इसमें क्या होता है फास्टर इस, प्रोसेसिंग स्पीड हो जाती है इसकी ठीक है इट यूजेस टू स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग लाइनिंग यहाँ पर ये पाइपलाइनिंग जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में हो सकता है कि इस बार आ जाए मुझे लग रहा है पाइपलाइनिंग पूछ सकता है ठीक है पाइपलाइनिंग और एक सेगमेंट रजिस्टर या सेगमेंटेशन जो होता है ना इस वाली यूनिट से जरा इन दोनों को नोट कर लो ठीक है ये पाइपलाइनिंग तो मैं बताने वाला हूँ आगे शायद सेगमेंटेशन मेरा छूट गया है ठीक है तो इसमें क्या होता है टू स्टेज पाइपलाइनिंग होती है फैज स्टेज और एग्जीक्यूट स्टेज ठीक है जो इसकी परफॉर्मेंस को क्या करता है इंप्रूव करता है यानी कि जब डेटा पहले से ही रखा हुआ है हमारे पास तो बस हमें उसी को एग्जीक्यूट करना है ठीक है ना अब जैसे मान लो खाना बनाना है तो वेजिटेबल अगर आपको बनानी है तो क्या है पहले उसको छीलेंगे काटेंगे देन उसके बाद उसको पकाएंगे तो हमें पकाना है तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन करना है ठीक है अब हमारे पास पहले से अगर छिली और कटी हुई रखी हैं वेजिटेबल्स तो बस हमें पकाते रहना है वहाँ से उठाएंगे पकाते रहेंगे तो जल्दी जल्दी पकता रहेगा ठीक है ना तो वही चीज़ यहां पर है तो यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है क्लियर तो सिक्स बाइट का हो गया है वो जो मैं बता रहा हूँ प्रीफेक्स डेटा क्योंकि सिक्स हमारी वो होती हैं क्या बोलते हैं इसको इंस्ट्रक्शन स्टोक करा सकते हैं और वन वन बाइट का वहाँ पर होता है यानी कि एक एक एट एट बिट का ठीक है तो और बाकी इसमें क्या है टू फिफ्टी सिक्स वैक्टर इंटप्टस होते हैं यहाँ पर और ट्वेंटी नाइन थाउजेंड यहाँ पर ट्रांसटर्स यूज़ होते हैं ये तो मैंने आपको उसमें बता ही दिया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 8085 जीरो एट फाइव एंड जी माइक्रोप्रोसेसर अगर ये आता है एग्जाम में तो मैंने तो इस तरह से लिखा है यहाँ पर आपको टेबल के फॉर्म में बना के आना टेबल किस तरह से बनाएंगे एक तरफ तो लिखेंगे पैरामीटर जिस पैरामीटर पर हम बताने वाले हैं दूसरा लिखेंगे एट और तीसरा लिखेंगे एट ठीक है सबसे पहले उसमें लिखेंगे पैरामीटर में साइज़ की अगर बात करेंगे तो एट हमारा एट बिट होता है और जो एट है वो सिक्सटीन बिट होता है ठीक है दूसरा लिखेंगे एड्रेस बस एड्रेस बस जो है इसमें 16 बिट होती है हमारी किस में 8086 में 8085 में और 8086 में कितनी होती है 20 बिट्स एड्रेस लाइंस होती हैं एड्रेस बसेस होते हैं ठीक है मेमोरी की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लिखेंगे मेमोरी तो ये सिक्सटी फोर के भी जो होता है हमारे एट जीरो एट फाइव और एट जीरो एट सिक्स जो है ये अप टू वन एम बी तक मेमोरी यहाँ पर इसकी होती है ठीक है इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं होता है एट जीरो एट फाइव में ठीक है और एट जीरो एट सिक्स में इंस्ट्रक्शन क्यों होता है मैंने अभी बताया है सिक्स बाइट का वहाँ पर पाइपलाइनिंग जो है पाइपलाइनिंग ये टर्म कहाँ होता है एट जीरो एट सिक्स में यानी कि एट जीरो एट फाइव में नहीं सपोर्ट करता है एट जीरो एट सिक्स में सपोर्ट करता है ठीक है इनपुट आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने एड्रेस हो गए तो टू की पावर एट एट है ना तो टू फिफ्टी सिक्स इनपुट आउटपुट यहाँ पर यूज कर सकते हैं देन इसके लिए हम एट जीरो टू की पावर सिक्सटीन तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स यानी कि कितना हो जाएगा ये इनपुट आउटपुट यहाँ पर हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की तो कॉस्ट जो है एट जीरो फाइव की लो होगी ऑब्वियस है एट जीरो एट सिक्स में मतलब ज़्यादा एडवांस चीज़ें हम यूज़ करें तो एट ज़ीरोट फाइव की जो कॉस्ट है वो उसके कंपेरिजन में लो होगी ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूनिट थर्ड से ही तो रा, राइट इन राइट इन ब्रीफ अबाउट द बस इंटरफेस यूनिट अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में तो हो सकता है इस बार एग्जीक्यूशन पूछ ले ठीक है ये नहीं पूछा गया लेकिन ये पूछा गया हुआ है पहले ठीक है तो बस इंटरफेस यूनिट पूछा है तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए ठीक है तो कोई सा हो सकता है कि इस बार भी पूछ लें तो अब यहाँ पर पता चला है बस इंटरफेस यूनिट पूछ रहा है तो बस इंटरफेस यूनिट जो है जो डायरेक्टली बस से कनेक्ट होती है हमारी एट जीरो एट सिक्स में और जो क्या करती है वहाँ से जो भी डेटा है उसको फैच करेगी और फैच करके स्टोर करा लेगी तो वो तो होगी हमारी बस इंटरफेस यूनिट देन एग्जीक्यूशन यूनिट जो है उसमें जहाँ पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है और ये क्या करता है बस इंटरफेस ये जो एग्जीक्यूशन यूनिट है डायरेक्ट बसेस से नहीं कनेक्ट होती बल्कि बस इंटरफेस यूनिट से जो डेटा पहले से फैच है जिसको हम प्री फैच डेटा बोलते हैं वहाँ से डेटा लेती है देन उसके बाद एग्जीक्यूशन कर दिया है ठीक है तो ये क्या है बी आई यू टेक केयर ऑफ ऑल डेटा एंड एड्रेस ट्रांसफर ऑन द बसेज फॉर द ई यू लाइक सेंडिंग एड्रेस फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी रीडिंग डेटा फ्रॉम द पोर्ट एंड द मेमोरी एज वेल एज राइटिंग डेटा टू द पोर्ट्स एंड द मेमोरी ठीक है तो ये आपको पी मिल जाएगी इसको पढ़ लेना जो मैंने बताया बेसिक्स वही चीज़ें हैं ठीक है वो मैंने वैसे आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाई रखा है एक बार मैं आपसे बार बार बोलूँगा प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ से आप ज़रूर एक बार वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें थर्टी या थर्टी वन हैं एक यूनिट उसमें दो तीन वीडियोज़ में प्रोग्रामिंग की भी है जो फोर्थ यूनिट है उसमें मैंने प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं अगर कुछ कोई स्टूडेंट अगर प्रोग्राम में भी इंटरेस्ट रखता है क्योंकि मुझे पता है 99% स्टूडेंट प्रोग्राम वाला पार्ट छोड़ के जाते हैं क्योंकि एग्जाम में एक या दो प्रोग्राम बनता है और वो करके नहीं आते उसको चॉइस में छोड़ आते हैं या करके ही नहीं आते ठीक है तो अगर कुछ लेकिन कुछ 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट भी होता है प्रोग्रामिंग में तो वो प्रोग्राम वाली वीडियो भी जरूर देख लेंगे ठीक है तीन तीन जो है हमारे एट जो एट फाइव की मैंने बता रखी है तीन इंस्ट्रक्शन सेट पर डेटा ट्रांसफर और लॉजिकल एंड एर्थमेटिक इन तीन पर मैंने बता रखे हैं प्रोग्राम ठीक है वॉट डू यू मीन बाय पाइपलाइनिंग ठीक है पाइपलाइनिंग क्या है पाइपलाइनिंग के बारे में बताने तो पाइपलाइनिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो कि यानी कि एक क्यू हमारे पास है बस लाइन लगी हुई है कि जैसे मैंने बताया ना वेजिटेबल पहले से ही कटी रखी है देन उसको बस हमें पकाते जाना है बस एग्जीक्यूट करते जाना है ठीक है तो क्या होगा यानी कि एक पाइप में सारे इंस्ट्रक्शन रख दी जाती हैं वो उसके बाद क्या है उस कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है यानी कि उसमें क्या है हमारा टाइम जो यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से क्या हो जाती है इंप्रूव हो जाती है यानी कि पाइपलाइनिंग इज़ द फीचर ऑफ फैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन ठीक है अब यानी कि हमारी जो करंट इंस्ट्रक्शन एक तो एग्जीक्यूट हो रही है तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं फैच कर सकते हैं कौन करेगा बी आई ओ और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है ई ओ एक्जीक्यूशन यूनिट ठीक है तो वही है बस यहां पर पाइपलाइनिंग का ठीक है तो और इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारी परफॉर्मेंस जो जाती हो जाती है बूस्टअप हो जाती है ठीक है क्लियर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यूनिट फोर तो यूनिट फोर से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर यूनिट फोर में एक क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा अभी इससे आने वाला आगे वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन एचुअल में क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर लेकिन उसमें मुझे कुछ बताना है आपको ठीक है सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेट तो वही है इंस्ट्रक्शन का सेट ठीक है ना इंस्ट्रक्शन सेट क्या है इंस्ट्रक्शंस का सेट हो गया यानी कि जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम एक जगह हमने इकट्ठी कर ली तो वो क्या सेट क्या क्या हमारा इंस्ट्रक्शन सेट कहलाएगा एंड इंस्ट्रक्शन सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड्स ठीक है ना यानी कि ग्रुप हो गया फॉर अ प्रोसेसर इन मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज बोले या यहाँ पर मैं अगर असेंबली लैंग्वेज भी अगर मैं बोल दूँ तो भी गलत नहीं होगा ठीक है ना क्लियर द टर्म कैन रेफर टू ऑल पॉसिबल इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसर और सबसेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू एनहस द परफॉर्मेंस इन अ सर्टन सिचुएशन ठीक है अब नेक्स्ट क्या है डिस्कस ब्रीफली अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज तो ये जो हमारा प्रोसेसर होता है एट जीरो एट फाइव या एट जीरो असेंबली लैंग्वेज को समझते हैं ठीक है हमारा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है ठीक है यानी कि क्या होती है मशीन लैंग्वेज को मतलब सॉरी जो प्रोसेसर होता है वो भी मशीन लैंग्वेज को यहाँ पर समझता है तो क्या किया जब प्रोग्रामिंग की गई तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वन जीरो की फॉर्म में प्रोग्राम को मतलब बनाना थोड़ा सा टिपिकल था तो क्या किया गया एक असेंबली लैंग्वेज वहाँ पर डिज़ाइन की गई बनाई गई असेंबली लैंग्वेज में क्या करते हैं हम अल्फ़ाबैट के कुछ वर्ड्स ले लेते हैं हम ठीक है ना कुछ हमने अल्फाबैट्स ले लेते हैं जिससे हम अपने क्या करते हैं कोडिंग करते हैं और उन्हें पर्टिकुलर जैसे एड के लिए ए डबल डी हमने यूज़ कर लिया इस तरह से ठीक है उससे रिलेटेड ही जिससे हमें वो इंस्ट्रक्शंस लर्न करने में भी इजी हो प्रोग्राम जो हमें डिजाइन करना है उसके लिए भी इजी हो जाए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एक असेंबलर यूज़ कर लेते हैं जो अम्बली जो असेंबली लैंग्वेज को हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है दैन उसके बाद प्रोसेसर उसको समझ लेता है ठीक है एंड असेंबली लैंग्वेज इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली क्या करता है ये कम्युनिकेट करता है एंड असम्बली लैंग्वेज अलाउ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर टू कोड यूजिंग वर्ड यूजिंग वर्ड में बोलो ना अल्फ़ाबेट्स यानी कि यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टर्म And expressions that can be easier to understand and interpret than the binary or hexadecimal data the computer store and reads ठीक है यानी कि सीधा सीधा यही है कि हम उसको समझ सकें understand कर सकें तो इसलिए is इस, easy करने के लिए language को यहाँ पर assembly language लाई गई ठीक है नेक्स्ट क्या है ब्रांच ऑपरेशन अब देखो यहाँ पर मैंने क्या पूछा what इज द purpose ऑफ ब्रांच ऑपरेशन ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है यहाँ पर ब्रांच ऑपरेशन की जगह पर कोई और सा ऑपरेशन वहाँ पर ले जितने भी डेटा ट्रांसफर है जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन हैं लॉजिकल ऑपरेशन हैं ब्रांच कंट्रोल ऑपरेशन हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है ना एट जीरो एट फाइव के एटलीस्ट आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरा यही कह रहा है ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑल इंस्ट्रक्शन किससे मतलब है मेरा एट जीरो एट फाइव से एट जीरो एट सिक्स से आप याद करें ना करें लेकिन एट जीरो एट फाइव के ऑल मतलब या जो इंपॉर्टेंट जो मैंने अपने वीडियो में बता रखे हैं ना वो जरूर एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है ऐसा कुछ है नहीं बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है अगर आप एक बार देख लेंगे ना तो उनके नेम जैसे मैंने बताया ना ऐड ए डबल डी मैंने बोल दिया तो ये एड के लिए तो हमें देख के पता चल जाता है फिर ये जो इंस्ट्रक्शन है किस लिए यूज़ हो रही है ठीक है तो बहुत सिंपल है और ब्रांच कंट्रोल वाला वही हमारे लूप वगैरह के लिए कंडीशनल और नॉन कंडीशनल दो तरह के होते हैं ब्रांच कंट्रोल एफ मतलब वही है कि कैरी वन होगा तो ये मूव करेगा उस वाले पर्टिकुलर एड्रेस पे जीरो होगा तो नहीं करेगा ठीक है तो इस तरह के जो होते हैं ब्रांच ऑपरेशन हमारे क्या लाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर आपकी यूनिट फोर भी कम्प्लीट हो जाती है नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यूनिट फाइव यूनिट फाइव से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन किस तरह के बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की है पूरी एक तो पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में पूछा तो पेरीफेल डिवाइसेस वही है जो एक्सटर्नली हम यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में ठीक है ना कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है जैसे मानो मैंने कोई पेन ड्राइव यूज़ कर ली तो वो वो भी क्या हो गई पेरीफेरल डिवाइस हो गई ठीक है क्लियर अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जैसे मैंने पूछा है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डी एम कंट्रोलर अब यहाँ पर तो मैंने डी एम कंट्रोलर बोल दिया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिस की फुल फॉर्म है इसका मतलब क्या है कि बिना हम उसको प्रोसेसर प्रोसेसर को यूज़ करें मतलब क्या है कि डायरेक्ट मेमोरी को जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइस होंगी वो डायरेक्ट उसकी मेमोरी को क्या कर सकती हैं एक्सेस कर सकती हैं ठीक है किसके हेल्प से डीएमए कंट्रोलर की हेल्प से ठीक है क्लियर डीएमए का पूरा ब्लॉक डायग्राम मैंने अच्छे से समझा रखा है किस तरह से मेमोरी को एक्सेस किया जाता है कितने इसमें चैनल्स वगैरह होते हैं वो सारे मैंने आपको वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है अब जैसे यहाँ पर मैंने डीएमए कंट्रोलर बोल दिया ठीक है तो हो सकता है प्रोग्रामेबल पेरीफेरल डिवाइसिस के बारे में यहाँ पर पूछ ले हो सकता है यू एस के बारे में यहाँ पर पूछ ले तो यहाँ पर जो फिफ्थ यूनिट है ना उसमें तीन से चार मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको जरूर पढ़ लेंगे आप ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मैं बता रहा हूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे हमारे टू मार्क्स के वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में ठीक है बाकी जो मैंने अलग से बोले उनको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे एक बार और इसमें जितने भी आर्किटेक्चर्स एंड पिन डायग्राम्स हैं उनको जरूर एक बार देख लेंगे आर्किटेक्चर से मोस्टली क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे आपके एग्जाम में ठीक है जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ दिया फ्लैग रजिस्टर्स पूछा जा सकता है एट जीरो एट फाइव या एट जीरो एट सिक्स दोनों के ही देख लेंगे एक बार ठीक है क्लियर और यहाँ पर एक स्टैक पॉइंटर भी रह गया स्टैक पॉइंटर पढ़ लेंगे ठीक है तो ये टू मार्क्स से बेसिक बेसिक देखो ये सब्जेक्ट ऐसा टू मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कौन से कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्लियर तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में सेवन मार्क्स की वीडियो लेकिन मैं बार बार ये बोला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी एक टेलीग्राम का लिंक और दूसरा आपको मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर की प्लेलिस्ट जो है उसकी उसका लिंक ठीक है वो माइक्रो प्रोसेसर मैंने वैसे पढ़ा रखा है यानी कि मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया हुआ हूँ लेकिन आप अगर उनको देखेंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे 15 15 मिनट्स की वीडियोस हैं वो और पीडीएफ भी जो है ना उनकी पीडीएफ फिर से मैं टेलीग्राम चैनल पर दोबारा से अपलोड कर दूँगा साथ में ये वाली पी भी अपलोड कर दूँगा आपको सारी पी डी वहाँ पर मिल जाएंगी ठीक है स्टूडेंट्स चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इतना ही ओके